बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन। डियर लर्नर्स, वी आर रीडिंग द प्ले एंड दिस इज थर्ड लेक्चर ऑन टू द टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन ऑफ द सेम प्ले। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 43 ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स। द राइटर, द सीन इज दैट हैरी इज रेडी टू कट द हेयर ऑफ his customer, that is a writer, and well, the writer says thanks. The attendant goes out. Previously it has happened that attendant of the writer had come to the shop of the barber and he had informed the writer that his motor car is quite ready, which he has left on to the gasoline station. So the writer is addressing his attendant and says thanks. The attendant goes out. Look, I'll tell you what, how much is the haircut? आप हेयर कट के कितने पैसे लेते हैं? Now he is talking to Harry. Harry says, well, the regular price is a dollar. आमतौर पर एक डॉलर। It's too much for a haircut. हेयर कट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं दाओ। So I generally take a half or a quarter. तो मैं आधा डॉलर ले लेता हूँ या फिर 1/4 डॉलर ले लेता हूँ। द राइटर गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, कुर्सी से उठते हुए, आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मेरा जहन बदल गया है। आई डोंट वॉन्ट अ हेयर कट आफ्टर ऑल, मुझे हेयर कट चाहिए ही नहीं। बट हियर इज़ अ डॉलर जस्ट द सेम, लेकिन ये डॉलर रख लो। ही हैंड्स हैरी अ डॉलर, डॉलर दे देता है हैरी को। एंड ही हिमसेल्फ रिमूव्स द एप्रन, और अपना एप्रन उतार देता है जो हैरी ने लगाया था ताकि बालों की छोटी छोटी कटिंग्स जो हैं वो उसके ऊपर ना गिरें। हैरी, इट वॉन्ट टेक अ मिनट, एक मिनट भी नहीं लगेगा। द राइटर, आई नो, मुझे पता है। हैरी, यू डोंट हैव टू पे मी अ डॉलर फॉर अ हॉट टॉवल, माई कॉम्प्लीमेंट्स। आपको एक हॉट टॉवल देने के लिए ही आपको मुझे डॉलर नहीं पे करना था, क्योंकि कटिंग तो आपने करवाई नहीं है, तो आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझें। द राइटर, दैट्स ओके, ही गोज़ टू द डोर, दरवाजे की तरफ जाता है। हैरी, वेल, टेक इट ईजी नाउ। द राइटर, थैंक्स। ही स्टैंड्स अ मोमेंट थिंकिंग, देन टर्न्स, एक लम्हे के लिए रुकता है, सोचता है और वापस मुड़ता है। डू यू माइंड इफ आई हैव अ लुक एट दैट ऑयस्टर, मैं उस ऑयस्टर को देख सकता हूँ जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे? हैरी, नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। द राइटर गोज टू द शेल्फ वेयर हैरी हैज़ प्लेस्ड द ऑयस्टर, शेल्फ की तरफ जाता है जहाँ पे हैरी ने ऑयस्टर को रखा हुआ था। पिक्स इट अप, सदफ को उठाता है, सीप को उठाता है। लुक्स एट इट थॉटफुली, और बड़ा सोच विचार के अंदाज में उसकी तरफ देखता है। पुट्स इट बैक विदाउट कॉमेंट, और कुछ कहे बगैर उसको वापस रख देता है। बट इंस्टेड ऑफ लिविंग द शॉप, शॉप को छोड़ने की बजाय, ही लुक्स अराउंड एट द स्टफ इन इट, दुकान के पर नज़र दौड़ाता है और जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं उनकी तरफ देखता है। ही देन सिट्स डाउन ऑन अ वीकर चेयर, फिर वो बेड की बनी हुई चेयर पर बैठ जाता है। इन द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर में पड़ी हुई थी, एंड लाइट्स अ सिगरेट, और फिर सिगरेट जला लेता है एक्चुअली। द राइटर, यू नो दे हैव गॉट अ गैजेट इन न्यूयॉर्क नाउ लाइक अ सेफ्टी रेजर दैट एनीबडी कैन गिव एनीबडी एल्स अ हेयर कट विद। तुम्हें पता है कि न्यूयॉर्क में उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि सेफ्टी रेजर की तरह की है, और उससे कोई भी शख्स किसी के भी बाल काट सकता है। हैरी, दे हैव, उन्होंने बनाई है। द राइटर, या देर वॉज अ फुल पेज एड अबाउट इट इन लास्ट संडे टाइम्स, लास्ट संडे टाइम्स में, संडे के टाइम्स में इसका पूरे पेज का एक एड आया था। हैरी, इज दैट वेयर यू वर लास्ट संडे, तुम आप वहाँ थे लास्ट संडे? द राइटर, या जी। हैरी, यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्राइविंग, आप तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते रहे हो। द राइटर, आई लाइक टू ड्राइव, मैं ड्राइव करना पसंद करता हूँ। आई डोंट नो दाओ, दोज गैजेट्स डोंट ऑलवेज वर्क, लेकिन मुझे नहीं पता, ये जो मशीनें छोटी छोटी होती हैं आमतौर पर ये कोई ख़ास चलती नहीं हैं। दे आर आस्किंग 295 फॉर इट, उसकी कीमत जो वो बताते हैं वो 295 है। यू टेक अ बिग फैमिली, आपकी बड़ी फैमिली है। द फादर कुड सेव अ लॉट ऑफ मनी गिविंग हिज किड्स अ हेयर कट, बड़ी फैमिली हो तो आप जो फादर है वो अपने बच्चों के बाल काट काट के काफ़ी सारे पैसे बचा सकता है। हैरी, साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा ख्याल लग रहा है। द राइटर, क्वेश्चन ऑफ इफ़ेक्टिवनेस, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इसका कोई असर भी होता है इस आइडिया का या नहीं। इफ़ द फादर गिव्स अ बॉय अ हेयर कट, द बॉय इज़ अ शेम्ड ऑफ, वेल दैट्स नॉट सो गुड, अगर बाप बच्चे के बाल काटता है तो बच्चे को पसंद, लड़के को आमतौर पर पसंद नहीं आते,
उसको शर्मिंदगी होती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हैरी, नो अ बॉय लाइक्स टू गेट अ प्रोफेशनल लुकिंग हेयर कट, ऑल राइट। नहीं, लड़का आमतौर पे एक प्रोफेशनल लुकिंग, जो प्रोफेशनल अंदाज का जो हेयर कट है वो रखना पसंद करता है। द राइटर, आई थॉट आई'ड बाय वन बट आई डोंट नो, मेरा ख्याल था मैं एक खरीद लेता लेकिन पता नहीं। हैरी, यू गॉट अ बिग फैमिली, क्या आपकी बड़ी फैमिली है? द राइटर, आई मीन फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। बट आई डोंट नो, देर इज समथिंग टू बी सेड फॉर गोइंग टू अ बार्बर शॉप वंस इन अ वाइल, लेकिन कहा जाता है कि बार्बर की शॉप पे कभी कभार चले जाना चाहिए। नो यूज़ पुटिंग द बार्बर आउट ऑफ बिजनेस, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बार्बर का कारोबार ही ख़त्म कर दें, कि अगर आप मशीन खरीद लें तो आप घर में बाल काट लें तो फिर बार्बर का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हैरी, साउंड्स लाइक अ प्रीटी गुड आर्टिकल नाउ, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है वैसे, जो मशीन के बारे में आपने बताई है वो बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है। द राइटर, गेटिंग अप लेजीली, सुस्ती से उठते हुए। वेल, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करते हुए मुझे अच्छा लगा। वॉजिक, कैरिंग अ सेशल कम्स इन फॉलोड बाय क्लेयर, रोक्साना एंड ग्रीली। क्लेयर, रोक्साना एंड ग्रीली पीछे पीछे आते हैं और आगे वॉजिक आ रहा है, उसके हाथ में एक बैग है, बस्ता है। सेशल, वॉजिक, व्हाट्स दिस ऑल अबाउट हैरी, हैरी ये क्या है सब? हैरी, आई गॉट एन ऑयस्टर, आई वॉन्ट यू टू ओपन, मेरे पास एक ऑयस्टर है, मैं चाहता हूँ आप खोलो। वॉजिक, दैट्स वॉट द किड्स हैव बीन टेलिंग मी, बच्चे मुझे यही बता रहे थे। रोक्साना, ही डजंट बिलीव देयर इज अ पर्ल इन द ऑयस्टर ईदर, और उसे ये भी यकीन नहीं आया इनको कि ऑयस्टर में एक पर्ल भी है। वॉजिक, ऑफ कोर्स नॉट, व्हाट फुलिशनेस, वाकई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। क्ले, देयर इज अ बिग पर्ल इन इट, इसमें एक बड़ा पर्ल है। वॉजिक, ओके, गिव मी द ऑयस्टर, आई'ल ओपन इट, मैं इसको खोलता हूँ। एक्सपर्ट वॉच रिपेयरर टू ओपन एन ऑयस्टर, एक माहिर घड़ियाँ ठीक करने वाला घड़ी सास ऑयस्टर खोलते हुए। हैरी, हाउ मच इज़ अ बिग पर्ल वर्थ? लुई, लुई एक बड़ा पर्ल अगर इसके अंदर हो तो इसकी कितनी कीमत हो सकती है? वॉजिक, ओ 100-200 में भी, 100 या 200 शायद। हैरी, अ वेरी बिग वन, अगर बहुत बड़ा हो। वॉजिक, 3 में भी हो सकता है कि 300। द राइटर, I've looked at that oyster and I'd like to buy it. मैंने उस ऑयस्टर को देखा और मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। राइटर ने कहा। टू क्ले, हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर इट, आपको इसके लिए कितने पैसे चाहिए? क्ले, आई डोंट नो। द राइटर, हाउ अबाउट 300, 300 के बारे में क्या ख्याल है? ग्रीली, $300। ग्रीली सरप्राइज हुआ और उसने कहा, $300। क्ले, इज़ इट ऑल राइट मिस्टर वैन ड्यूज़न? तो क्ले मिस्टर वैन ड्यूज़न का मशवरा चाह रहा है और वो कह रहा है ये ठीक है। हैरी, ही लुक्स एट द राइटर हु नोड्स, वो राइटर की तरफ देखता है और जो राइटर है वो हाँ में इशारा करता है। श्योर, इट्स ऑल राइट, हाँ बिल्कुल ये ठीक है। द राइटर हैंड्स क्ले द मनी, और राइटर मनी देता है क्ले को। क्ले, लुकिंग एट द मनी एंड देन एट द राइटर, कभी मनी को देखता है और फिर राइटर को देखता है। बट सपोज देयर आंट अ पर्ल इन इट, अगर इसमें पर्ल ना हो ऑफर्स करो। द राइटर, देयर इज द, इसमें है। वॉजिक, डोंट यू वॉन्ट ओपन इट फर्स्ट, क्या आप इसको खोलना नहीं चाहते? द राइटर, नो आई वॉन्ट द होल थिंग, आई डोंट थिंक द पर्ल्स स्टॉप्ड ग्रोइंग, मैं मुकम्मल ही इसको लेना चाहता हूँ, खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी पर्ल जो है वो ग्रो करना बंद नहीं हुआ, इट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग, अभी ये और बड़ा होगा। क्ले, ही सेज दिस अ पर्ल इन द ऑयस्टर मिस्टर वैन ड्यूज़न, तो क्ले अपनी एक्साइटमेंट जो है मिस्टर वैन ड्यूज़न के साथ शेयर करता है एंड ही सेज कि राइटर का ख्याल है कि इसमें ऑयस्टर में पर्ल है। हैरी, आई थिंक देयर इज़ टू क्ले, क्ले मेरा भी ख्याल है इसमें है। सो व्हाई डोंट यू जस्ट गो ऑन होम एंड गिव द मनी टू योर मदर, क्यों नहीं जाते और जाके अपनी अम्मी को पैसे दे दो सारे? क्ले, वेल आई न्यू इट वॉज गोइंग टू फाइंड सम, आई वॉज गोइंग टू फाइंड समथिंग गुड टुडे, मुझे पता था आज मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। द चिल्ड्रन गो आउट, वॉजिक इज़ बिविल्डर्ड, बच्चे बाहर चले जाते हैं और वॉजिक जो है वो खूब हैरान है, बहुत ज़्यादा हैरान है। वॉजिक, $300, हाउ डू यू नो देयर इज अ पर्ल इन इट, $300, आपको कैसे पता इसमें पर्ल है? द राइटर, एज फार एज आई एम कंसर्न द होल थिंग इज अ पर्ल, जहाँ तक मेरी बात है सारी ये जो चीज़ है यही मेरे लिए पर्ल है। वॉजिक, अ लिटिल कन्फ्यूज, थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है। वेल आई गो टू गेट बैक टू द शॉप। हैरी, हैरी मुझे वापस दुकान में जाना है। हैरी, थैंक्स फॉर कमिंग बाय, आने का शुक्रिया। वॉजिक गोज आउट, द राइटर होल्ड्स द ऑयस्टर इन फ्रंट ऑफ हिम एज इफ इट वर एन एग, ऐसे वो पकड़ता है अपने सामने जैसे कि एक अंडा हो ये, एंड लुक्स एट इट केयरफुली, और इसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है। टर्निंग इट इन हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स में इसको उलटता पुलटता है एज ही इज़ डूइंग सो।
जब वो ये कर रहा होता है, क्लार्क लैरबी कम्स इन टू द शॉप. क्लार्क लैरबी शॉप में आता है. डू यू रिमेंबर हु इज़ क्लार्क लैरबी? यस, ही इज़ क्लेज फादर फॉर होम ही हैज़ पुट एन एड इन टू द न्यूज़ पेपर. ही इज़ होल्डिंग द कॉपी ऑफ द न्यूज़ पेपर दैट हैरी गेव हिम. उसके हाथ में न्यूज़ पेपर की कॉपी है जो हैरी ने उसको दी थी. क्लार्क, वी वर 10 miles अप द हाईवे व्हेन आई हैपेंड टू सी दिस क्लासिफाइड एड इन द पेपर. हम 10 mile हाईवे पर चले गए थे, शाहरा पर चले गए थे, जब मैंने अचानक से ये क्लासिफाइड ये मुख्तसर सा इश्तहार देखा. ही हैंड्स द पेपर टू हैरी. वो हैरी को ये पेपर देता है. एंड सिट्स डाउन इन द चेयर, और चेयर पर बैठ जाता है. आई एम गोइंग आउट टू द हाउस आफ्टर ऑल. आखिरकार मैं घर जा रहा हूँ. जस्ट फॉर द वीक एंड ऑफ कोर्स. और यकीनन सिर्फ वीकेंड के लिए, सिर्फ हफ्ते के आखिरी दिन के लिए. देन बैक टू वर्क इन सेलिनाज अगेन. फिर दोबारा सेलिनाज चला जाऊँगा काम के लिए. 2 or 3 months आई थिंक. 2 या 3 महीने मेरा ख्याल है. आई विल हैव इनफ टू कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम. 2-3 महीने अगर मैं काम कर लूँगा तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं बहुत देर तक वापस आके घर में रुक सकूँगा. क्ले केम बाय. क्ले आया था. हैरी, नो आई गॉट द मनी हियर. पैसे अभी मेरे पास ही हैं. क्लर्क, ओके आई टेक इट आउट माई सेल्फ. मैं खुद ले जाऊँगा ये. बट फर्स्ट लेट मी हैव द वर्क शेव, हेयर कट, शैम्पू, मसाज. लेकिन पहले शेव बना दो, बाल काट दो, शैम्पू कर दो और मसाज कर दो, मालिश कर लो. हैरी पुटिंग एन एप्रन ऑन. क्लर्क, श्योर थिंग क्लर्क, बिल्कुल मैं कर देता हूँ. ही बेंड्स द चेयर बैक एंड बिगिंस टू लेदर क्लर्क्स फेस. और क्लर्क के फेस पर साबुन लगाने लगता है, झाग बनाने लगता है. मिस मिकॉशन ड्रेस्ड नीटली. मिस मिकॉशन हैं अब आती ड्रेस्ड. उन्होंने अच्छा सा नीट कपड़े पहने हुए हैं. लुकिंग लाइक अनदर पर्सन ऑलमोस्ट. और ऐसी लग रही है जैसे कोई और हो. वो कम्स इन, अंदर आती हैं. मिस मिकॉशन, वेल ठीक रहा. हैरी, यू लुक फाइन मिस मिकॉशन. आप बड़ी अच्छी लग रही हैं मिस मिकॉशन. मिस मिकॉशन, आई डोंट मीन दैट, आई मीन द ऑयस्टर. मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि सीप. हैरी, ओह दैट देर वॉज अ पर्ल इन इट. उसमें पर्ल था. मिस मिकॉशन, आई डोंट बिलीव इट. मुझे यकीन नहीं आ रहा. हैरी, अ बिग पर्ल, बड़ा पर्ल था. मिस मिकॉशन, यू माइट हैव डन मी द कर्टसी ऑफ वेटिंग अंटिल आई हैड कम बैक बिफोर ओपनिंग इट. इसको खोलने से पहले आप मेरे साथ मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते. कर्टसी वेटिंग, तो थोड़ा सा इतना इंतज़ार कर लेते, मुरब्बत में थोड़ा सा इंतज़ार ही कर लेते इसको खोलने से पहले. हैरी कुडन वेट, इंतज़ार नहीं कर सकता था. मिस मिकॉशन, वेल आई डोंट बिलीव यू बट आई हैव कम फॉर माई हेयर कट. मुझे आपकी बात का यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो बाल कटवाने आई हूँ. आई सिट डाउन एंड वेट माई टर्न. मैं बैठ जाऊँगी और अपनी बारी का इंतज़ार करूँगी. हैरी, मिस्टर लैरबी वॉन्ट्स द वर्क्स. यू विल हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम. मिस्टर लैरबी चाहते हैं पहले उनका काम कर दूँ. आपको बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा. मिस मिकॉशन, मिस्टर लैरबी क्लेज फादर, रुखजाना फादर. क्लर्क सिट्स अप. तो वो हैरान होकर कहती है, रुखजाना क्ले का फादर. और क्लर्क उठ के बैठ जाते हैं, सही से बैठ जाते हैं. हैरी, क्लर्क आईड लाइक यू टू मीट आर न्यू टीचर मिस मिकॉशन. मैं आपको मिस मिकॉशन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. क्लर्क, हाउ डू यू डू. आदाब. मिस मिकॉशन, हाउ डू यू डू. मिस्टर लैरबी, शी लुक्स बिविल्डर्ड. वो बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आती है. वेल परहैप्स सम अदर टाइम देन मिस्टर वैन ड्यूज़न. फिर वो कहती है, अच्छा चलो किसी और वक्त मैं करा लूँगी अपना काम. शी गोज़ आउट. क्लर्क सिट्स बैक. क्लर्क फिर बैठ जाता है. जज एप्पलगार्थ स्टॉप्स एट द डोर वे ऑफ द शॉप. जज एप्पलगार्थ जो है वो दरवाजे पे, शॉप के दरवाजे पे रुकते हैं. द जज, नॉट वन थिंग ऑन द बीच. हैरी, हैरी बीच पे कोई चीज़ भी नहीं थी. नॉट अ ब्लेस्ड थिंग वर्थ पिकिंग अप. कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको बंदा उठा सके एंड टेकिंग होम और घर ला सके. जज एप्पलगार्थ गोज ऑन. और जज एप्पलगार्थ जो है वो वहाँ से चले जाते हैं. द राइटर लुक्स एट हैरी. द राइटर अभी वहाँ ही है और वो हैरी की तरफ देखता है. हैरी, सी व्हाट ही मीन. इसका क्या मतलब था. द राइटर, या वेल सो लॉन्ग. ही पुट्स द ऑयस्टर इन हिज कोट पॉकेट. कहता है, हाँ बहुत देर हो गई. और वो अपनी पॉकेट में डाल देता है ऑयस्टर को. हैरी, ड्रॉप इन अगेन एनी टाइम यू आर ड्राइविंग टू हॉलीवुड. जब भी हॉलीवुड जाने लगो तो आप यहाँ पे आ सकते हो. द राइटर, और अवे या उससे भी आगे जाना हो तो. ही गोज़ आउट, और वो चला जाता है. क्लर्क, आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद. यू नो हैरी दैट बॉय ऑफ माइन क्ले. आप हैरी, तुम्हें पता है मेरा बेटा जो क्ले है. वेल अ फेलो लाइक दैट, इस तरह के बच्चे को यू कांट जस्ट गो ऑफ एंड लीव हिम. आप नहीं जा सकते छोड़ के. हैरी, ऑफ कोर्स यू कांट. क्लर्क, क्लर्क हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते ऐसे बच्चे को.
क्लर्क, आई एम टेकिंग हिम फिशिंग टुमारो मॉर्निंग, कल मैं उसे फिशिंग के लिए लेके जाऊँगा, मछलियाँ पकड़ने के लिए। हाउ अबाउट गोइंग अलॉन्ग हैरी, आप मेरे अब हमारे साथ चलोगे, क्या ख्याल है? हैरी, श्योर क्लर्क, बी लाइक ओल्ड टाइम्स अगेन, देर इज़ अ पॉज। और वो कहते हैं हाँ यकीनन पुराने वक्तों की तरह, और वहाँ पे एक वक्फा आता है, दोनों में से कोई नहीं बोलता। क्लर्क फाइनली, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट एन ऑयस्टर एंड पर्ल, वो ऑयस्टर एंड पर्ल के बारे में क्या बात थी? हैरी, ओह जस्ट हैविंग अ लिटिल फन विद न्यू टीचर, इस न्यू टीचर्स के साथ बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। यू नो शी केम इन हियर एंड आस्क मी टू गिव हर अ पुडल हेयर कट, तुम्हें पता है ये मेरे पास आती थी और कहती है कि मुझे पुडल हेयर कट दे दो, मेरे बाल काट दो पुडल की तरह के। अ पुडल हेयर कट, वो पुडल के जैसे बाल, पुडल इज़ अ काइंड ऑफ डॉग जिसके बाल कर्ली होते हैं और उसको फिर शॉर्ट कर दिया जाता है, तो फिर उस हेयर कट को पुडल हेयर कट कहा जाता है। आई डोंट रिमेंबर व्हाट अ पुडल डॉग लुक्स लाइक इवन, मुझे तो याद भी नहीं पुडल डॉग दिखता कैसे है, तो मैं कैसे इसके पुडल हेयर कट कर दूँ। एंड हियर द प्ले एंड्स, सो वी हैव कम्प्लीटेड द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन 3 लेक्चर्स। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 मिस कर दिया है तो आप उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं यहीं से ही, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और आप उन दो लिंक हैं टू द लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, आप इन दोनों लिंक्स को फॉलो कर सकते हो और प्ले की कम्प्लीट रीडिंग कर सकते हो। और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा था और उनकी बातों के क्या मतलब थे। तो अब तक हम जान गए हैं सबको कि कौन काइंड हार्टेड है कौन नहीं है, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।